तो बच्चों मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से क्लास लेकर हाजिर हो चुका हूँ, वो भी इंग्लिश का। जी हाँ, वो भी इंग्लिश का एकदम मस्ट VVI जो आपका मॉडल पेपर से आता है क्वेश्चन, सभी को लेकर हाजिर हो चुका हूँ। ये इंग्लिश का जो है मॉडल पेपर है आपका, ठीक है, ये इंग्लिश का मॉडल पेपर है और यहाँ से सारा का सारा क्वेश्चन टकराने वाला है। याद रखिएगा, ये इंग्लिश का पहला मॉडल सेट है, ठीक है, जो आपके फाइनल एग्ज़ाम और सेटअप एग्ज़ाम में यही सब क्वेश्चन आने वाला, इससे बाहर नहीं आने वाला, ठीक है। कहिएगा सर कैसे आएगा, तो मैं आपको बता दूँ। देखिए मैं 5 मॉडल सेट अभी आपको करा रहा हूं। मान लीजिए अभी एक मॉडल सेट में 60 क्वेश्चन है, आप 5 मॉडल सेट कराऊंगा तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 से, ठीक है, सिर्फ 5 अभी, ठीक है। लेकिन इसके बाद मैं और मॉडल सेट कराने वाला हूं। मान लीजिए मैं आपको जितना बेहतर तरीके से तैयारी कराऊंगा उतना बेस्ट आपका नंबर आएगा, है कि नहीं। तो अगर आपको आगे पढ़ना है, अच्छा नंबर लाना है, मार्क्स लाना है जो आगे कुछ प्रोग्रेस कर सके, तो इसके लिए इंग्लिश पढ़ना आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मैं सारा क्वेश्चन आपको बताऊंगा एक एक क्वेश्चन से लेकर, ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, इसमें 60 क्वेश्चन है, ठीक है, हमें 50 का जवाब देना होता है लेकिन मैं 60 कराने वाला हूं, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, देख लीजिए कि हु वाज हल्कू, इसमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा। आप लोग अगर आप पढ़े हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हैं, ठीक है, इससे क्या होता है आपको ही बेनिफिट होने वाला होता है, ठीक है। चलिए तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए एक का क्या हो जाएगा, तो एक का बी होगा आंसर, ठीक है। देख लीजिए इतना तू फार्मर, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है विद्यापति बोर्न इन द विलेज ऑफ बिस्पी इन, तो इसमें से ऑप्शन देखिए बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा, बताइए। तो इसमें से राइट आंसर इसका आंसर कौन सा होगा, दो का, तो दो का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, मधुबनी, ठीक, यानी मधुबनी में पैदा हुए थे, याद रखिएगा विद्यापति। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, तीन नंबर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेम वाज गिवन द स्क्वायरल, तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा, तीन का बताइए, तीन का इसमें से राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए। तो तीन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, तीन का सी हो जाएगा यानी गिल्लू, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए जो कह रहा है व्हाट डज द वर्ड गार्बेज मीन, देखिए जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसका PDF भी लेना चाहते तो आपको PDF भी मिल जाएगा, PDF लेने में कोई भी आपको दिक्कत नहीं है, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पे आपका क्लास चल रहा है सुबह और शाम में, है ना, हर रोज आपका क्लास 10 का है ना, क्लास ये चल रहा है, क्लास चल रहा है, क्लास 10 का क्लास ही चल रहा है हमारे चैनल पे, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट का, मैथ से लेके सोशल साइंस, हिंदी, नॉन हिंदी, उर्दू, संस्कृत, सब का चल रहा है और सब का PDF भी आपको मिल रहा है, ठीक है। PDF इसलिए मिल रहा है कि आपको खरीदने की कोई जरूरत ना हो और आपकी तैयारी कितनी है उन सभी चीज़ें हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है और कोई PDF वगैरह चाहते हैं, कोई नोटिफिकेशन चाहते हैं सबसे पहले, तो इसके लिए आप जो हमारा वीडियो देख रहे हैं ना उसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम में आप लोग जरूर हो जाए, ठीक है। वीडियो को रोक के जो है या कैसे भी, लेकिन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम करेंगे, वहां जाकर अभी जरूर जुड़िए, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम में मिलेगा, ठीक है। और PDF की बात करें तो PDF आपको कैसे डाउनलोड करना है हर एक सब्जेक्ट का, है ना, ये तो आपका इंग्लिश का हो गया ना, इंग्लिश से पहले और भी अदर सब्जेक्ट है सबका यहाँ पे हमारे चैनल पर दिए हुआ, तो कैसे डाउनलोड करना है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये हमारे वेबसाइट से डाउनलोड करना है, ठीक है, हमारे वेबसाइट का नाम है pointofvision.com, उस पर सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा, कैसे डाउनलोड करना है वीडियो को लास्ट में आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट देखिएगा, ठीक है। या आप गूगल क्रोम को ओपन कर लीजिएगा, वहाँ पे सर्च कीजिएगा pointofstudy.com, स्पेस नहीं दीजिएगा, सर्च कीजिएगा तो वहाँ पे पहला ऑप्शन आएगा pointofstudy.com, उस पर क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट पेज खुल जाएगा और नीचे स्क्रॉल डाउन करते रहिएगा ना, तो आपको बाएं साइड में मिल जाएगा मॉडल पेपर, उस पर क्लिक कीजिएगा, हर एक सब्जेक्ट का रहेगा, साइंस वाला 5-5 मॉडल से क्लिक कीजिएगा, सब का रहेगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कैसे आपको डाउनलोड करना है, ठीक है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, तो ठीक। देखिए तो चौथा का आंसर क्या होगा, व्हाट डज द वर्ड गार्बेज मीन, तो चार का आंसर क्या होगा, तो चार का बी हो जाएगा, ठीक है, फिल्थ। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि हु इज द फर्स्ट ब्लैक वोमेन टू रिसीव नोबेल प्राइज, तो इसमें से ऑप्शन देखिए आप लोग बता सकते हैं कौन सा होगा आंसर, बताइए कौन सा हो जाएगा, हाँ तो बताइए। तो इसका पांच का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पांच का बी होगा, ठीक है, टोनी मॉरिसन। चलिए छः नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि हु हैज़ कंपोज द पोएम पोलिथीन बैग, तो छः का आंसर क्या होगा बताइए, ऑप्शन देख के आप लोग बता सकते हैं आपकी तैयारी कैसी है, ठीक है, इससे मालूम चल जाएगा आपने किस तरीके से पढ़ा है। अगर आप लोग आगे वाकई में रियल में कुछ करना चाहते हैं तो इंग्लिश अभी आपको बहुत ज़रूरी है, आपको ये भी मालूम बात है कि नहीं, इंग्लिश अभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं, और आगे आपको इंग्लिश ही काम देने वाला है ना, 10th मेरा काम दे, आप लोग सर बहुत बच्चे बहुत सर पढ़ाते भी नहीं है, बहुत बच्चे पढ़ते भी नहीं है, ये भी मुझे भी मालूम है कि नहीं, लेकिन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो छः का आंसर क्या होगा, तो छः का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, छः का ए हो जाएगा, ठीक है, दुर्गा प्रसाद पांडा,
पांडे होना चाहिए तो पांडा दिए हो। चलिए साथ में क्वेश्चन कर रहा है कि हु इज मधावा, मधावा कौन है बताइए, मधावा कौन है, इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा बताइए, तो फटाफट बताइए, ऑप्शन देख के आप लोग बता सकते हो क्या होगा आंसर इसका, ठीक है। तो सात का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, लॉर्ड कृष्णा एनिमी, ठीक है, लॉर्ड कृष्णा का यहाँ पे दुश्मन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, ठीक है, नहीं ये है ये सी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, आठ नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, आठ नंबर क्वेश्चन, नौ नंबर माफ कीजिए, ऊपर चला गया, आठ नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है हु इज द ऑथर ऑफ द पोएम द स्लीपिंग पोर्टर, कौन है बताइए बताइए फटाफट, इसमें से आठ का आंसर क्या होगा, ऑप्शन देख के आप लोग फटाफट बताइए कौन हो जाएगा इसका सही राइट आंसर, इंग्लिश का वो, ठीक है, इंग्लिश का मॉडल सेट है याद रखिएगा, इंग्लिश का ये मॉडल सेट है याद रखिएगा, ओके, इसका राइट आंसर कौन होगा बताइए तो फटाफट। तो आठ का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा, ठीक है। चलिए नौ नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कितना आपका सही हो रहा है वो भी बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है, और मजा आ रहा है ना इंग्लिश क्लास लेने में यानी बताइए वही बता दीजिए, ठीक है, नंबर क्वेश्चन का कह दीजिए, अरे मैं बता देता हूँ आप कह दीजिएगा आंसर कि हाउ कैन एलर्जी के डिसीज बाय ट्रीट, ठीक है, डिसीज बाय ट्रीट, तो नौ का आंसर कौन सा होगा, तो नौ का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बोथ ऑफ बोथ ए एंड बी, हाँ मैंने ऑप्शन नहीं दिया बराबर बता दिया, आप लोग इसके बाद दीजिएगा, ठीक है। और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, ठीक है, ये इंग्लिश का है, इससे पहले मैंने हर एक सब्जेक्ट का अपलोड कर दिया है, ठीक है, और नहीं देखा वीडियो तो आप जाइए हमारे चैनल पे, ठीक है, मॉडल सेट बना होगा हर एक चैप्टर का, ठीक है, साइंस का अलग ऊपर ही मिल जाएगा, या चैनल पर जाइएगा तो अभी क्लास चलती है ना, रोज आपको पहला मॉडल सेट दूसरा मॉडल सेट सब मिल जाएगा, वहाँ से देख के आप आसानी से क्लिक करके वीडियो देख सकते हो और अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकते हैं तैयारी करके, ठीक है, और पीडीएफ सबका दिए हुआ है हमारी वेबसाइट पे, मैं लास्ट में बता दूंगा कि पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है आपको, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दस नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है अकॉर्डिंग द ऑथर ऑफ व्हाट इज द रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म, व्हाई आर इंडियन फिल्म नॉट सो अब्रॉड, ठीक है, तो दस का आंसर क्या होगा बताइए, ऑप्शन देख के आप लोग फटाफट बताइए तो क्या होगा इसका आंसर, फटाफट बताइए क्या होगा आंसर बाबू इसका, दस का, तो दस का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है, इंडियन ऑफ वर्ल्ड पोलिटिनियल पोटेंशियल मार्कर फॉर हर ओन प्रोडक्ट्स, ठीक है, ए हो जाएगा। चलिए दस नंबर क्वेश्चन देख लेते हम लोग फटाफट, ग्यारह नंबर कह रहा है आरसी हचिनसन हैज रिटन, यानी आरजी हचिनसन ने क्या लिखा है बताइए इसमें से, ग्यारह का आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए तो फटाफट कमेंट में, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा फटाफट बताइए क्या होगा वो, तो ग्यारह का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, पहले ए द पेज फॉर लिविंग है ना याद रखिएगा, जाने उन्होंने किताब लिखी है, ठीक है, चैप्टर है। बारह नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इन द पेज फॉर लिविंग द ऑथर स ए, यानी कह रहा है ऑथर जो है कौन है पेज फॉर लिविंग के बताइए, तो ऑप्शन देख के आप लोग बताइए इसका आंसर कौन सा होगा फटाफट बताइए आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा क्या होगा बताइए बाबू फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग, तो यहाँ पे 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, लिव टॉलस्टॉय। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हम लोग, कह रहा है द सिनेमा ऑल्सो कंबाइंस द कोल्ड लॉजिक ऑफ, तो ऑप्शन देख के बताइए 14 का क्या आंसर होगा फटाफट बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में, 14 का फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर आप लोग बताइए, इससे मालूम चलता है कि आपकी तैयारी कैसी है, ठीक है, इसी से याद रखिएगा। चलिए फटाफट बताइए तो इसका आंसर क्या होगा राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, तो यहाँ पे 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है, साइंस। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 15 नंबर, कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ के महादेवी वर्मा वाज बेसिकली, यानी महादेवी वर्मा जो बेसिकली कहाँ से है देख लीजिए क्या चीज़ है देख सकते हैं आप लोग, तो 15 का ऑप्शन देखिए आप लोग कमेंट बॉक्स में से बता सकते हैं क्या है बताइए फटाफट इसका आंसर बताइए क्या है, तो 15 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, ठीक है, याद रखिएगा, ए पोटेस याद रखिएगा, एक पोटेस यानी कवि कवि है, चलिए कवि है, ठीक है, याद रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है द नरेटर्स गर्लफ्रेंड लव डिफाइड
डिफाइल्ड वाज वेरी, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन वगैरह इधर से उधर हो जाता होगा, है हो जाता होगा इंग्लिश वगैरह में, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आप लोग बता सकते हैं कि सर इसका प्रोनाउंसिएशन इस तरीके से है, ठीक है। वैसे मैं तो करेक्टली बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन है ना इंग्लिश एक ऐसा ये है सेंटेंसेस जो कभी कभी प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ हो जाता है, याद रखिएगा। चलिए, क्योंकि बहुत बच्चे कहते हैं सर थोड़ा मिस्टेक हो रहा था, मैं इसलिए पहले बता दे रहा हूँ, मैं भी इंसान हूँ, उससे भी गलती हो सकती है कि नहीं। तो 16 का आंसर बताइए क्या होगा, 16 का आंसर कौन सा होगा, तो 16 का डी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इंटेलिजेंट एंड विटी, ठीक है, याद रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है द लॉयर इन द फर्स्ट ईयर रिजेक्टेड, क्या चीज़ से बताइए। 17 का ऑप्शन देखिए बताइए क्या होगा आंसर इसका, फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा। 17 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यहाँ पे वाइन। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, 18 नंबर कह रहा है अकॉर्डिंग टू द एसे व्हाट इन रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, द एवरेज अमेरिकन फिल्म इज ए एन, ठीक है। तो 18 का ऑप्शन देखिए बताइए क्या होगा आंसर, बताइए तो फटाफट आप लोग क्या होगा इसका सही आंसर 18 का बाबू। तो यहाँ पे 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है, 18 का ए बैड मॉडल, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन के लिए कह रहा है कि अंग सैन सू की वाज बोन इन, कहाँ बोन हुए थे, तो फटाफट इसका आंसर बताइए कहाँ बोन हुए थे भाई। काफ़ी ज़्यादा ये जो इंग्लिश पढ़ते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा, और यहीं से सारा क्वेश्चन आने वाला, इसलिए इसकी तैयारी आपको तो करनी ही हर हाल में, ठीक है, याद रखिएगा। आपको इसकी तैयारी तो हर हाल में करनी है, ठीक है, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ आगे के लाइफ के लिए, ठीक है। इसलिए इसको आप अभी से तैयारी करना है, और आप लोग पढ़ते हैं तो आप लोग की और अच्छी बात है, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, 18 का हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 18 ए बैड मॉडल हो जाएगा, ठीक है। 19 ना है, 19 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, रंगून। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 20 नंबर गौरा, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 20 नंबर कह रहा है प्रिज्मी इज फेमस एज द एडिटर ऑफ, ठीक है, प्रिज्मी इज फेमस एज द एडिटर ऑफ, क्या होगा इसका आंसर बताइए। तो प्रोनाउंसिएशन आप लोग देख लीजिएगा, 20 का आंसर क्या होगा, क्या होगा 20 का आंसर बताइए ऑप्शन देखिए फटाफट बताइए। क्या होगा तो 20 के अंदर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, याद रखिएगा। कलाई कधन जियाम, ठीक है, याद रखिएगा, प्रजामी का इसका आंसर है, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है देख लीजिए टोनी मर्सन रिसीव्ड द नोबल प्राइज इन, ठीक है, मोरिजन रिसीव्ड द नोबल प्राइज इन, ठीक है। तो 21 का आंसर क्या होगा बताइए तो फटाफट इसका आंसर क्या होगा 21 नंबर क्वेश्चन का, 21 नंबर का क्या होगा आंसर। तो 21 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 21 का होगा डी, ठीक है, 21 का यहाँ पे डी हो जाएगा 1993। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, कह रहा है वंस अपन ए टाइम देर वॉज एन ओल्ड ओमैन ब्लाइंड वाइज हैज बीन टेकन फ्रॉम, तो 22 का आंसर क्या होगा बताइए फटाफट इसका देख के फटाफट बताइए तो क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए फटाफट फटाफट बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे 22 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए तुम लोग, कह रहा था इस नंबर क्वेश्चन कि हु हैज़ रिटन द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, यूनिटी ऑफ कल्चर जो है चैप्टर इसको किसने लिखा है बताइए। तो 23 का आंसर क्या है बताइए तो फटाफट बताइए 23 का क्या हो जाएगा। तो 23 का यहाँ पर हो जाएगा डी, ठीक है, 23 का डी हुमायूं कबीर। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर द वेयर रिगार्डेड एज द अर्लीस्ट इन इन्वेडर्स ऑफ द लैंड, ठीक है। तो 24 का आंसर क्या होगा फटाफट बताइए इसका कमेंट बॉक्स में आंसर आप लोग, 24 का क्या हो जाएगा। तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, आर्यंस। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, कह रहा है द स्टोरी रिटन बाय लिव टोलस्टॉय इज, यानी लिव टोलस्टॉय ने कौन सा कहानी लिखा है बताइए। तो इसमें से 25 का ऑप्शन देखिए हम लोग फटाफट बताइए तो कौन सा राइट आंसर होगा फटाफट 25 नंबर क्वेश्चन का, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है, फटाफट बताइए इसका क्या होगा, क्या हो जाएगा इसका बाबू फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। तो 25 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, 25 का बी हो जाएगा, लिटल गर्ल्स वाइजर देन मैन, ठीक है, विजर देन मैन,
चलिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर देख लीजिए, कह रहा है लिव टॉलस्टॉय स्टोरी इज अबाउट, क्या चीज़ पर आधारित है बताइए। 26 का देख सकते हो क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 26 का क्या होगा आंसर बताइए, तो ऑप्शन देंगे फटाफट बताइए आप लोग फटाफट क्या होगा बाबू, आप लोग का सही ज्ञान है कि नहीं, जो ही बच्चे अंग्रेजी से दे रहे हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ ठीक है, और अंग्रेजी में तो यही क्वेश्चन आने वाला ही है इसलिए इसका आपको तैयारी तो करना ही हर हाल में, याद रखिएगा जो भी बच्चे हैं अगर वो अच्छा मार्क्स चाहते हैं ठीक है तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ ठीक है। तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 26 का ए हो जाएगा ठीक है टू गर्ल। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा देख लीजिए, गॉड मेड द कंट्री हैज बीन कंपोज बाय, 27 का आंसर क्या होगा बताइए, तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक है विलियम्स कोपर ठीक है। चलिए मैं फटाफट बताने की कोशिश करते हैं आप लोग ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है अकॉर्डिंग टू द पोएम गॉड मेड द कंट्री मैन मैड ठीक है, तो 28 का क्या होगा बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में, 28 का तो यहाँ पर 28 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर ठीक है टाउन। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है ए पोएम रिटेन द 14 लाइन इज कॉल्ड, क्या 14 लाइन का जो कविता था वो क्या कहलाता है बताइए, तो 29 नंबर का क्या होगा आंसर, तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक है ए सुनने। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हम लोग, चलिए फटाफट 30 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है अकॉर्डिंग टू द पोएट ऑफ वर्ड ऑन सल्यूटेड ए हैप्पी मैन ए इज सेटिस्फाइड विथ, क्या जिससे जो है सेटिस्फाइड है बताइए, तो 30 का आंसर क्या होगा बताइए, तो 30 का ए हो जाएगा ठीक है ए फ्यू एक्रेस ऑफ इनहेरिटेड लैंड ठीक है याद रखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन के लिए कर रहा है पोप इज रिमेम्बर्ड चीफली एज ए, तो 31 का क्या होगा आंसर बताइए तो फटाफट कमेंट बॉक्स में, तो 31 का हो जाएगा सी ठीक है 31 का सी याद रखिएगा सर। 31 नंबर क्वेश्चन ठीक है, चलिए 31 का क्या आंसर सी हो जाएगा ओके कोई दिक्कत। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेगा, चलिए सेटिरिस्ट है, चलिए सेटिरिस्ट है याद रखिएगा सेटिरिस्ट 31 का सी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, 32 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि विद्यापति बिलोंग टू, यानी विद्यापति कहाँ के हैं ठीक है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं ठीक है, वही बोल रहा है। चलिए तो ऑप्शन देखिए 32 का कौन सा राइट आंसर होगा बताइए, तो 32 का हो जाएगा आपका राइट आंसर कौन सा, तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 32 का सी ठीक है सोरो माफ कीजिए 33 पर टिक लग गया, ये होगा मधुबनी ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, 33 नंबर कह रहा है द एम्पटी हर्ट स्पीक्स अबाउट ठीक है, तो खाली जो दिल होता है क्या बोलता है किसके बारे में, तो बताइए 33 का क्या होगा आंसर, 33 नंबर क्वेश्चन ठीक है क्या होगा, तो 33 का बी होगा आंसर ठीक है ग्रेट। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है द स्लीपिंग पोर्टर कैरियर्स ए लोड ऑफ, तो 34 का आंसर क्या होगा, तो 34 का बी होगा ठीक है 25 किलोज। चलिए तो फटाफट मैं बताता हूँ ठीक है, आप लोग यहाँ से है ना, मैं यहाँ से है ना आप सिर्फ क्वेश्चन बोलूँगा, आप लोग आंसर बताइएगा ठीक है, आप लोग उसका आंसर दे दीजिएगा। पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए मैं लास्ट में वीडियो बना दूँगा कहाँ से पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है, आसानी से वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं हर एक सब्जेक्ट का ठीक है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 36 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 36 है ना, 36 का सी हो जाएगा ठीक है, आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोग वीडियो को रोक के जरूर बताइएगा ठीक है कितना सही हुआ। 37 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है द बेड इज ए स्टोरी अबाउट, 37 का क्या होगा आंसर बताइए, तो 37 का सी हो जाएगा ठीक है, पढ़ लीजिएगा फटाफट आप लोग ठीक है। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है आप लोग पढ़ लीजिए इसका, मैं आंसर बताता हूँ ठीक है, 38 का यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 38 का बी हो जाएगा ठीक है। मैं यहाँ पे आपको ना पीडीएफ भेज दूंगा, पीडीएफ के लिए मैंने वेबसाइट का बता दिया कैसे आपको करना है ठीक है, सर्च करना है आपका pointofstudy.com ठीक है गूगल क्रोम में, और वहाँ पे सर्च करना है तो जैसे ही पेज खुल जाएगा या खुला रहेगा पॉइंट ऑफ स्टडी क्लिक कीजिएगा, तो नीचे राइट साइड में आइएगा तो मॉडल पे लिखा रहेगा एकदम नीचे में ठीक है, नीचे एकदम स्क्रॉल डाउन करिएगा तो मॉडल पे लिखा रहेगा लेफ्ट साइड में, वहाँ पे क्लिक कीजिएगा लिखा रहेगा इंग्लिश का हर एक सब्जेक्ट का रहेगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते कोई दिक्कत नहीं ठीक है। चलिए 38 का आंसर क्या होगा, 38 का बी हो जाएगा ठीक है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 39 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक है। चलिए फटाफट बताते हैं हम लोग ठीक है, आप लोग वीडियो को रोक के जरूर देखिएगा ठीक है, वीडियो को रोक कर क्वेश्चन पढ़िएगा, ऐसा नहीं पढ़िएगा तो समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा तो आंसर देने मज़ा नहीं आएगा, जब आंसर नहीं दीजिएगा तो समझ सकते हैं आप लोग, मैं आंसर बता रहा हूँ तो मैं तो फटाफट बता रहा हूँ ना, आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा ठीक है, वहाँ पे देखिएगा किसका आंसर सही कौन सा होगा, मैं जो बता रहा हूँ क्या सही है गलत वो मिला लीजिएगा, उससे आपको मालूम चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है ठीक है। इस तरीके से ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूँ आप लोग वीडियो रोक नहीं फटाफट पढ़ रहे, ऐसी कोई बात नहीं याद रखिएगा। चलिए 40 का आंसर कौन सा होगा, तो 40 का हो जाएगा सी ठीक है, 40 का सी होगा। चलिए 41 वाला क्वेश्चन देखिए ठीक है, कह रहा है देख लिए डायरेक्शन,
41 से 43 तक है, चूज द बेस्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग, ठीक है, चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द दे आर गोइंग टू परफॉर्म ए ड्रामा, ठीक है, पैसिव वॉइस को चूज करना, ठीक है। तो 41 नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, यहाँ पे इसमें से ऑप्शन वाला आंसर कौन सा होगा, 41 का ए हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देख लेते हम लोग, 42 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, आप लोग पढ़ लीजिएगा, 42 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा 42 का सी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देख लेते हम लोग, 43 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 43 का यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 43 का बी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, 44 नंबर क्वेश्चन, 44 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 44 का बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, 45 नंबर क्वेश्चन, 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 45 का बी हो जाएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, कह रहा है गुड साइड मेन आर मोटर, ठीक है, तो 46 का क्या आंसर होगा, तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए बी होगा, 40 का बी, ठीक है, यहाँ पे 45 ना है, अबे 45 का बी था, 45 का यहाँ पे बी होगा, ठीक है, 45 का बी होगा, ठीक है। चलिए 46 नंबर देख लीजिए, 46 नंबर क्वेश्चन, 46 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा 46 का बी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 47 नंबर, कितना आपका सही बताइएगा, और चैनल पे नहीं तो जो सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। राइट डायरेक्शन 47 से 49 तक है, फिल द ब्लैंक विथ करेक्ट वर्ब फॉर्म, ठीक है, ही विल बी करेक्ट है, वर्ब को यहाँ पे फिलअप करना है, तो 47 का क्या करना है बताइए, 47 का हो जाएगा आपका सी, ठीक है, प्लेइंग। 48 नंबर देखिए, कोई कुछ क्वेश्चन गलत हो सकता है तो आप लोग बताइएगा, ठीक है। 48 नंबर देख लीजिए, 48 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 48 का सी हो जाएगा, 48 का सी होगा, ठीक है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, 49 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, डायरेक्शन 50 से 52 वर्ड है, कह रहा है 50 से 52 क्वेश्चन है, चूज द मस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन, ठीक है, यहाँ पे तो दिस इज एंटायरली डोंट डोंट यू एंड मी, ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स है, यहाँ पे कौन सा होगा बताइए, मस्ट प्रीपोजिशन होगा इसमें से कौन सा होगा, तो 50 का आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, 50 का ए। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 51 का यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए अगले हम इसको लर्न करते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है 52 देख लीजिए, 52 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 52 का बी, ठीक है, 4। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 53 देख लीजिए, 53 का यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 53 का ना, 53 का हो जाएगा आपका ए होगा, 53 का ए, ठीक है, याद रखिएगा। 54 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 54 का हो जाएगा आपका ए, ठीक है, 54 का भी ए हो जाएगा। चलिए 55 देख लीजिए, 55 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 55 का बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ पे सुटेबल जो है ना ट्रांसलेशन को चूज करना, ठीक है, कौन सा सही है, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है सच्चाई कभी परास्त नहीं होती, तो इसका आंसर कौन सा होगा बताइए, 56 का, तो 56 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, ठीक है, याद रखिएगा। 57 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है देख लीजिए, 57 का हो जाएगा सी आंसर, ठीक है, पढ़िएगा आप लोग क्वेश्चन को पढ़िएगा बाबू, ठीक है, याद रखिएगा। और मैं आपको लास्ट में है ना वीडियो के 5 क्वेश्चन VVI अंग्रेजी का 5 जो इंग्लिश पेपर है एकदम 5 VVI में आपको है ना बताने वाला हूँ। मैं अपने वेबसाइट पर ले जाऊँगा और वेबसाइट पर जहाँ से आपको डाउनलोड करना है ना PDF सारा, उसमें 5 VVI आपको है ना मिलने वाला सब्जेक्टिव जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जरूर आप उसको देखिएगा। तो लास्ट तक वीडियो देखिएगा, मैं लास्ट में बताऊँगा कैसे आपको है ना डाउनलोड करना है, ठीक है, PDF वगैरह हर एक चैप्टर का याद रखिएगा। तो 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन देख लेते हम लोग, 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, 59 का सी, ठीक है। और 60 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 60 आखिरी क्वेश्चन है, 60 का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, आप लोग पढ़िएगा अच्छे से। और मैं आपको बता रहा हूँ आप PDF कैसे डाउनलोड करना है, देखिए ये तो अंग्रेजी का है इंग्लिश का है ना, इसके बाद साइंस वगैरह सबका मैंने वीडियो डाल रखा है, सबका कैसे आपको डाउनलोड करना सबका मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, याद रखिएगा। और हमारे टेलीग्राम में जरूर जुड़ना नहीं भूले आप लोग, टेलीग्राम में अवश्य जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल का क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना, ठीक है। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च बार वाला ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आपको सर्च कर देना है POINT.OFSTUDY.COM। यहाँ पे देखिए स्पेस नहीं दिया, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग इस तरीके से, ठीक है, स्पेस नहीं देना, ठीक है, एकदम इस तरीके से लिखना, ठीक है। और उसके बाद लिखने के बाद आपको सर्च कर देना है, जैसे सर्च कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा, ठीक है। अगर इस तरीके से नहीं आएगा तो पेज आपको
टैब से क्लिक किया जाएगा, ठीक है, pointmc.com ऊपर ही आएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो फिर इस टैब का खुल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप क्या कीजिएगा, नीचे स्क्रॉल डाउन करिएगा, ठीक है, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए नीचे इस तरीके से आते रहिएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ लेटेस्ट अपडेट वगैरह है, ठीक है। उसके बाद सिलेबस मॉडल पेपर, यहाँ देखिए मॉडल पेपर इंग्लिश का, ठीक है, मॉडल पेपर है। और इससे पहले देखिए संस्कृत से लेकर हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पे दिए हुआ, देखिए हिंदी का, हिंदी हो गया आपका, सोशल साइंस, साइंस सारा सब्जेक्ट का दिए हुआ, ठीक है। तो कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं। इंग्लिश का, इंग्लिश का डाउनलोड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा, ठीक है। नीचे स्क्रॉल डाउन करना है टैब से, ठीक है। यहाँ पे देखिए सारा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, इंग्लिश के बारे में कैसे तैयारी करना है, क्या है सारा चीज़ इसमें बारीकी से लिखा हुआ, ठीक है। और 5 VVI, ठीक है, 5 VVI क्वेश्चन वगैरह भी लिखा हुआ, देखिए इंग्लिश का, जहाँ से आप तैयारी करके अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। और डाउनलोड करने के लिए नीचे स्क्रॉल डाउन करते रहना, ठीक है। देखिए नीचे दिए गए लिंक से आप मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए क्लास 10th का यहाँ पे पहला, ये पहला चला, ठीक है, ये पहला वाला है मॉडल सेट, ठीक है। इसको डाउनलोड करने के, इस पर क्लिक कीजिएगा ना तो आपको गूगल ड्राइव मिल जाएगा, गूगल ड्राइव मिल जाएगा, ठीक है। आपको परमिशन आएगा, ठीक है, ओके कर दीजिएगा, ठीक है, ओके कर दीजिएगा, ठीक है, वहाँ पर आपका डाउनलोड हो जाएगा गूगल ड्राइव में, ठीक है। तो ये वाला है, ठीक है। इसी तरीके से आप आसानी से सब चीज़ को देख सकते हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। तो हर एक सब्जेक्ट का डाउनलोड कर सकते हैं, आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।